ओह माय गॉड, आज केविन ओवेंस ने जो धमाल मचाया है भाई स्मैकडाउन पर गाइस, रोमन रेंस को अकेले ही, ब्लडलाइन को अकेले ही संभाल लिया केविन ओवेंस ने, इतना दम रखा है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो भाई कुछ मेरे को पता नहीं, लेकिन जो बीटिंग रोमन रेंस एंड ब्लडलाइन को दी है केविन ओवेंस ने, बहुत ही ज्यादा दी है। एंड रोमन रेंस तो यार ऐसा लगा कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि एक मिनट के अंदर, सिर्फ एक मिनट के अंदर सारा का सारा फ्रेम चेंज कर दिया। रोमन रेंस आराम से बैठे थे, लेकिन एक मिनट बाद केविन ओवेंस ने सारे के सारे नीचे रखे हुए थे। मेरा मतलब अटैक इतना भयानक किया कि सारे के सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स नीचे पड़े हुए थे। सैमी ज़ेन नहीं आए, वो लेट आए, उनकी बहुत ही बड़ी गलती थी। एंड रोमन रेंस नहीं बख्शेंगे उनको, आज मैं बताता हूँ आपको क्या थी। एंड रोमन रेंस को हम रोज रोज ऐसे नहीं देखते, बहुत ही रेयरली देखते हैं, एंड आज वो दिन था रोमन रेंस का। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बीटिंग है, कि रोमन रेंस पड़े थे, उनसे उठ भी नहीं हो रहा था। एंड सैमी ज़ेन की यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती है, मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले आप प्रोमिस करो मेरे से इस वीडियो को लाइक मारोगे एंड सब्सक्राइब करोगे ये वाला चैनल, अगर आपने ऐसी वीडियोस देखनी है। तो सैमी ज़ेन की क्या गलती थी उस पर चलते हैं। रोमन रेंस ने सैमी ज़ेन को कहा होता है, उसो इकट्ठे करके रखो, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर रहा हूं, उसके बाद मैं आता हूं। लेकिन गाइस उसो एंड सैमी ज़ेन को पता होना चाहिए था, अगर रोमन रेंस को खतरा आता है तो तभी की तभी आ जाना है। लेकिन उसो आ जाते हैं एंड सैमी ज़ेन नहीं आते, तो उनकी बहुत ही बड़ी गलती होती है। यहां पर मैं आपको बताता हूं एक चीज, रोमन रेंस आराम से बैठे हुए होते हैं, केविन ओवेंस आते हैं, उसके बाद स्टनर डालते हैं रोमन रेंस को बहुत ही जल्दी, कि रोमन रेंस को पता नहीं लगता मैं रिएक्ट कैसे करूं। एंड पोल हेमन को आप देख ही सकते हो। एंड उसके बाद केविन ओवेंस उसोस पर चले जाते हैं, उसोस को भी बहुत ज्यादा बीटिंग पड़ती है, वो भी नीचे गिर जाते हैं। एंड फिर वापस आते हैं केविन ओवेंस रोमन रेंस के पास, उनको उठाते हैं एंड रोप के पास भेजते हैं, ताकि वो लगा सके पॉप पॉप पावर बॉम्ब। यस, आप वीडियो की स्टार्टिंग में देख सकते हो जाके कितना भयानक वो पॉप पॉप पावर बॉम्ब था। एंड यस, उसके बाद टेबल टूट जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, कर देते हैं केविन ओवेंस, एंड रोमन रेंस भी बाद में कर ही देंगे। एंड उसके बाद इतनी देर बाद, 2-3 मिनट निकल जाता है, उसके बाद आते हैं सैमी ज़ेन, वाह भाई वाह। एंड रोमन रेंस इससे बहुत ही ज्यादा खुश नहीं होंगे। एंड सैमी ज़ेन आते हैं, वो मारते भी नहीं केविन ओवेंस को, केविन ओवेंस भाग जाते हैं। सैमी ज़ेन का क्या होगा उस पर भी वीडियो में बना दूंगा, आज या कल आ जाएगी। आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक मारना है वीडियो को, एंड कमेंट्स में मेरे को बताना है रोमन रेंस जीतेंगे या फिर केविन ओवेंस रॉयल रंबल पर, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। एंड ये वीडियो देख लेना जाते जाते, मेरे गाने की मैं अपनी प्रमोशन करता रहता हूँ।